हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाऊंगी मसूर दाल अंडे से धोकर डालना, और आप इसको गट्टे की सब्जी भी बोल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैंने छोटी कटोरी के दो कटोरी मैंने मसूर का दाल भिगो के रख दिया था 3 घंटे पहले। अगर आप चाहो तो रात को भी भिगो के रख सकते हो। और इसको मैं अभी पानी से अच्छे से धोऊंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये 5 हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियां, कुटी हुई अदरक। अदरक आप खीस के भी डाल सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है। और कटी हुई प्याज, ये 2 अंडे मैं डाल दूंगी इस तरह से। अच्छे से पिस गया है, अब मैं इसको इस बाउल में खाली कर लूंगी। अब मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी लाल मिर्ची। तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसको इस तरह से 10-15 मिनट के लिए इसको इस तरह से ढक देना है। अब मैं ये मसाला रेडी करूँगी। इसमें है प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और खड़ा गरम मसाला मैंने लिया है। और मेरे तेल भी गरम हो चुका है, ये मैं डाल दूँगी इसमें। जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक मैं चलाती रहूँगी। जैसे रेड ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद मैं वो जो मैंने बनाया ना दाल ना, उसको मैं भूंज के फिर इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने हल्दी, नमक और गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी, अभी और पकना है इसको, हुआ नहीं है 5 मिनट और इसको होने में। ये देखिए, मेरा मसाला हो गया रेडी। और अब मैं डाल दूँगी पानी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनेगा फ्राई करने के बाद। और अब मैं इसको एक एक करके इस तरह से डाल दूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मैं और भी नई नई रेसिपी आप लोगों को दिखा पाऊँ। गुड बाय एंड टेक केयर।